प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, सहकारिता विभाग के मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, फिक्की के अध्यक्ष श्री सुब्रतान पांडा जी, यूपी चैप्टर के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, एमएसएमई सेक्टर और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सब जानते हैं कि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का व्यक्तित्व देश के चार महापुरुषों की छाप को स्पष्ट अपने साथ लेकर के चलता है। एक ओर भारत की प्राचीन उस ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा की साधना से जुड़ी हुई है, दूसरा एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो आचार्य चाणक्य के रूप में हम सबको दृष्टिगोचर होता है, एक प्रखर राष्ट्रभक्ति का वह तेज जो वीर सावरकर के रूप में इस देश ने आजादी के आंदोलन के रूप में देखा, और एक अंत्योदय से अमृत काल की विकास की यात्रा के विजनरी नेतृत्व के रूप में दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन चार महापुरुषों के एक समन्वय के रूप में जो एक व्यक्तित्व हम सबके सामने देखने को मिलता है, जिनके ऊपर देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो एक बड़ा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, वह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जिस कदम को आगे बढ़ाया था, उसमें सहकारिता की अपनी बड़ी भूमिका है। और सहकारिता जैसे मंत्रालय का नेतृत्व किन हाथों में दिया जाना चाहिए, यह कोई नाम सामने आया था तो आज के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का नाम आया था, आज उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। इस अवसर पर उनका हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का देश का सबसे बड़ा आधार रखता है। लगभग 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सभी एमएसएमई यूनिट 2017 के पहले मृत प्राय सी थी, उपेक्षित थी, दम तोड़ रही थी, लोग इसे बंद करके प्लान की ओर जा रहे थे। मुझे याद है कि जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के लिए तैयार किया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज के माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक लाइन उसमें डलवाई थी कि उत्तर प्रदेश की पहचान जिन कारणों से है उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण यहां की परंपरागत उद्यम भी है। इस परंपरागत उद्यम के लिए प्रदेश में सरकार बनने पर हम विशेष कार्य योजना बनाएंगे, और विशेष कार्य योजना जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो उसी परंपरागत उद्यम को
जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का 96 लाख से अधिक यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसे प्रोत्साहित करने के लिए जिस एक योजना को सरकार प्रदेश के अंदर लेके आई थी, डबल इंजन सरकार लेकर के आई थी, वही आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आत्मनिर्भर भारत की वह आधारशिला बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज प्रदेश की एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है और जिसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। मुझे याद है कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रदेश में कामगार और श्रमिक आ रहे थे और कामगार और श्रमिक के बारे में हर व्यक्ति चिंतित था कि वास्तव में एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ 40 लाख कामगार और श्रमिक के कहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की क्या स्थिति होगी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में काम करने वाले और उसके जो संचालक हैं, उस समय लघु भारती जैसी संस्थाओं ने, आईआईए जैसी संस्थाओं ने आगे आकर के जब सरकार के साथ और संगठन के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ किया, परिणाम हम सबके सामने था कि 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए, उनकी स्किल मैपिंग उत्तर प्रदेश में घुसते ही कर दी जाती थी और किसी न किसी एमएसएमई यूनिट में उन्हें हम लोग अनुरोध करते थे, अपील करते थे कि इन्हें भी एक या दो हर यूनिट अपने साथ जोड़ देगा तो उत्तर प्रदेश में 40 से 50 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को हम आसानी से अपने यहां जोड़ करके उन्हें उनके रोजगार से जोड़ सकते हैं। और कोरोना कालखंड में एक विशाल नेटवर्क को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, इस विशाल जो मैन पावर थी जो उन प्रदेशों से प्लान कर रही थी जहां वे कई कई दशकों से काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही उन्हें कार्य करने को मिला और उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई के माध्यम से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का एमएसएमई का जो क्लस्टर है अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था, एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस, लैंड बैंक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जिस एक अभियान को लेकर के चला है, आज उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर वैश्विक बिजनेस ग्रुप आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की तरफ आकर्षित होने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश की इस एमएसएमई बेस को नया आयाम देने के लिए सहकारिता आंदोलन के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एमएसएमई और सहकारिता कैसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है, यह सब तय करने के लिए भी आज का यह संगोष्ठी और यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपने बहुमूल्य समय में से देश की संसद की व्यस्तता, कार्यक्रम के बाद आदरणीय गृह मंत्री जी का यहां से अलग कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी लगे हुए हैं, उन सभी व्यस्तताओं के बीच में आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति अपनी शुभेच्छा व्यक्त की और उस दृष्टि से आज आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजन समिति की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का आज के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमएसएमई और सहकारिता से संबंधित इस संगोष्ठी में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए फिक्की और आप सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर एमएसएमई और सहकारिता से जुड़े हुए हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस सेक्टर में विशेष प्रयास करके यहाँ पर भी निवेश संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें से 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमें अकेले एमएसएमई सेक्टर में प्राप्त हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश का यह एमएसएमई जो कहीं पर सिल्क क्लस्टर के रूप में, कहीं पर कारपेट के रूप में, कहीं पर ब्राउस के रूप में, कहीं पे ग्लास के रूप में, कहीं इत्र के रूप में, कहीं स्पोर्ट्स आइटम के रूप में, कहीं डेरा कोटा के रूप में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है, यह उत्तर प्रदेश की
और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, औद्योगिक विकास के रूप में उसकी नींव बनेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी से गर्वित होकर निवेदन करती हूँ कि हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आज के उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 23 के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी, श्री राकेश सजान जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर जी, फिक्की के श्री सुब्रकांत पांडा जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी सम्मानित सदस्य, और आज एमएसएमई और कोऑपरेटिव सेक्टर से यहाँ पर आए हुए सभी निवेशक भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि एक विजन के साथ साहस का परिचय कराते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो आयोजन किया है, अभी सिद्ध हो चुका है कि सफल हो चुकी है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है और मैं मानता हूं कि ये 3 दिन उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 वर्षों के लिए बहुत शुभ और फलदायी होने वाले हैं, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, किसी भी राज्य के अंदर अगर इंडस्ट्री लानी है, किसी भी राज्य को उत्पादन का हब बनाना है, कि भी किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है, तो उसकी 5 पूर्व शर्त होती है। पहला, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए। दूसरा, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तीसरा, राज्य सरकार ने इंडस्ट्री और फाइनेंस के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण सुस्पष्ट तरीके से करना चाहिए। चौथा, राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए। और पांचवा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता राज्य के मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। और मुझे बहुत आनंद है कि एक जमाना था उत्तर प्रदेश में 5ों योग्यता ढूंढने पर निराशा हाथ लगती थी, आज ये 5ों चीजें उत्तर प्रदेश शासन ने जमीन पर उतारी। यहां पर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भी ठीक हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर समग्र देश के अंदर जो कुछ चुनिंदा राज्य है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा निवेश विगत 5 साल में हुआ है, तो उसे उत्तर प्रदेश है। कई सारी नीतियां इंडस्ट्री और बजट के सपोर्ट में बनाई गई हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन का वातावरण आज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
योगी जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से चल रही है। एक भी आरोप हमारी सरकार पर नहीं है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने त्वरित फैसले लेने का भी मादा दिखाया है और त्वरित फैसले भी लिए। तो एक प्रकार से इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ये बहुत सानुकूल वातावरण यहां पर बना हुआ है। बचपन में मैंने भौतिक विज्ञान का एक नियम समझा था, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। और उत्तर प्रदेश में मास भी है, वॉलेटिली भी है, इसलिए मोमेंटम भी। और एक जो परिवर्तन आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, ये समग्र देश के लिए शुभ है। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश विकास की राह पर चल नहीं पड़ता है, हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से, सभी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व कहीं पर भी दो नंबर का नहीं है, एक नंबर का है। सबसे ज्यादा आबादी भी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य भी जो दो तीन है उसमें से उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज्यादा यहां पर संभावनाएं भी पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी प्राप्त करने के लिए 1500 फुट से लेकर 900 फुट तक नीचे जाना पड़ता है। मैंने उत्तर प्रदेश में आज भी हाथ से चलने वाले डंकी कई गांवों में देखे हैं, जहां पानी की उपलब्धता है, मां गंगा और यमुना की कृपा है, वहां पर विकास की अपार संभावना है। और इसीलिए मोदी जी ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना। और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने आज भारत के विकास को, भारत के उत्पादन के हब बनने के, वैश्विक उत्पादन के हब बनने के लक्ष्य को, इसकी पूर्ति में एक बड़ी छलांग लगाई। मित्रों, आज यहां पर आने के पहले मैं एक पेवेलियन देखने का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। यहाँ एक ऑनलाइन सेल करने वाली कंपनी का स्टोर था। मैंने कहा भाई, इतना बड़ा स्टोर आपने लगा दिया है, मगर कितना टर्नओवर है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्पाद का अपनी आपकी ऑनलाइन कंपनी पर? धड़ल्ले से कोई कंफ्यूजन के बगैर उसने कह दिया कि 1600 करोड़ रुपए का टर्नओवर। साथ अर्थ में एक सफल प्रयोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यहां पर हुआ है। और आज की जो ये समिट, योगी जी ने इसके पीछे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इतना ही रखा है, मैंने आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 23 लगाया है। क्योंकि जब तक सातत्य नहीं होता है, सातत्य पूर्ण तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं करते हैं, कभी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो मुझे भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है वो सालों तक चलेगी और आने वाले दिनों में भी ये आगे बढ़ेगा। आज ये मंच वैश्विक निवेश के समुदाय का, नीति निर्धारकों का, कॉरपोरेट नेतृत्व का, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का, शिक्षा विदों का, थिंक टैंक्स का, राजनीति और सरकारी नेतृत्व को एक साथ बहुत बड़ा मंच प्रदान करने का काम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देखते ही, इसको पहचान कर ही नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटाली,
संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस ने यहाँ साझेदारी CIA के साथ करने का फैसला किया है। एक बहुत बड़ी इफेक्ट। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां करने नहीं आया। मैं गुजरात में रहता था, गुजरात सरकार का मंत्री था, लखनऊ में उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो भी इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे थे, मगर उन्होंने स्थान दिल्ली रखा। तो इकोनॉमिक टाइम्स की एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की समिट कर रहे हो मगर स्थान दिल्ली क्यों रखा है। तो थोड़ा इधर उधर होकर उनको शिकार पर करना पड़ेगा, काफी लोग लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट करनी पड़ी है। अरे भले आदमी जो इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर आने के लिए लखनऊ तैयार नहीं है, वो भला इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे तैयार। और हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज पूरी दुनिया से निवेशक यहाँ पर आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, लॉजिस्टिक, कई प्रकार के उत्पादों के लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आज यहाँ पर आए हैं। लगभग मुझे लगता है कि दुनिया के कई देशों में हमारे मंत्रियों ने दौरा किया, रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में किया, देश के 13 राज्यों में किया, और ये सब मंथन के बाद ये 3 दिन का समिट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने वाला बनने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र के अधीन एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली को डेवलप किया है, जिससे ढेर सारी समस्याएं निवेशकों की रुक जाएगी, समाप्त हो गए, और उद्यमों को 30 विभाग की लगभग 400 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं इस पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्री को आमंत्रित करने के लिए, इसके लिए सारी सुविधाएं खड़ी करने के लिए 25 नीतियों को तैयार किया है, और वो नीतियों को जमीन पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने। मित्रों, आज ये जो हमारा कार्यक्रम है MSME और कोऑपरेटिव के लिए, मैं आज यहां पर जितने भी निवेशक उपस्थित है मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट कोई नई बात नहीं है, सदियों से होता है। मैं गुजरात से आता हूं, मैं मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूं कि आज देश की टॉप 25 कंपनियों में से मैं ऐसी कम से कम 8 कंपनियों को जानता हूं जिन्होंने अपनी शुरुआत MSME के रूप में की है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जिसके पास साहस है, जिसके पास कौवत है, जिसके पास सूझबूझ है, वो शुरुआत तो छोटे से करता है परंतु साहस होता है, कौवत होता है, सूझबूझ होता है, तो वो छोटा नहीं रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं MSME वो बीज है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है, और इसी से शुरुआत। और जिस राज्य ने MSME इंडस्ट्रीज के लिए अपनी पॉलिसियों को ढंग से तैयार नहीं किया, वो राज्य कभी भी औद्योगिक निवेश के लिए आगे नहीं आ सकता। इसके दो कारण, एक तो बड़े से बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उसको कई सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज चाहिए। अगर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए आपने अनुकूल वातावरण, अनुकूल माहौल यहाँ पर नहीं किया है, तो दूसरे राज्य से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सारी लगती है और इंडस्ट्री सफल करती है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री आती है उसको सफल होने के लिए भी एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब MSME की जरूरत है, और इसके साथ साथ आज की MSME में ही कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुए है। बच्चों को प्लेटफॉर्म देने से ही प्रदेश हमेशा आ गया। ये दो कारण से किसी भी राज्य को
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इसकी पूर्व शर्त है कि एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट करे। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, मैं सभी एमएसएमई क्षेत्र के यहाँ जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूं कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए, यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सफल। ढेर सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहां आ रही है, मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले, क्योंकि आपको अपना बाजार ही नहीं ढूंढना। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कलपुर्जे बनाने की आप एमएसएमई इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है, इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंचाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है वो प्रशंसनीय है। और मित्रों, जब तक किसी भी राज्य में टोटल इको सिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। जितना भी बड़ा इंडस्ट्री लेकर आइए, देश में बंद पड़े हुए कारखानों की बहुत बड़ी सूची है। क्यों? क्योंकि इको सिस्टम ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रोजगारी को आपने एड्रेस नहीं किया, रोजगारी का विकल्प नहीं ढूंढा, तो इकोसिस्टम कभी अच्छा नहीं हो सकता। और रोजगारी देने का माडा अगर सबसे ज्यादा किसी में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है, ये दो ही रोजगारी। 22 करोड़ का राज्य अगर रोजगारी के लिए चिंता करे बगैर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाता है, कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं इसीलिए कहता हूं कि एमएसएमई के लिए जो पॉलिसीज बनाई है और एमएसएमई के ऊपर जो योगी सरकार ने थ्रस्ट दिया है, वो आने वाले दिनों में रोजगारी का निर्माण करेगा, और रोजगारी के निर्माण से कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम रिपेयर होगा, अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, और इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। मित्रों, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ढेर सारे राज्यों ने बहुत अच्छा किया है। मेरा मुख्य सचिव जी से निवेदन है कि बड़ी इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्री, एंसिलरीज इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथी करने के लिए अभी भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपका पॉलिसी पढ़ा है, इसको और स्ट्रेंथी कर, बहुत अच्छा किया है, मगर और स्ट्रेंथी हो सकता है और मजबूत और पुख्ता हो सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री की सफलता के लिए भी अच्छा एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत जरूरी। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के पास ढेर सारी संभावना है। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक आज अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे मेहनत कश इंसान अगर कहीं पर, किसान कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे विपुल मात्रा में पानी अगर किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरी, इसकी अपार संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है। मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार
सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे भी पहला सहकार मंत्री बनने का सौभाग्य मोदी जी ने दिया। मैं बहुत समय लगभग 32-33 साल से सहकारिता के साथ जुड़ा हूं। मित्रों, हमने पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का फैसला किया, मल्टीपर्पज पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बायलॉज बना दिए, अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC को पैक्स के लिए परमिट कर दिया, गैप ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया, राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है, इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्यता ऋणदाता संस्थान भी बना दिया, जेम पोर्टल पर खरीदी की कोऑपरेटिव्स को छूट दे दी, मैट के अंदर 18% से घटाकर 15% किया, आयकर अधिनियम में भी ढेर सारी राहतें दी, कोऑपरेटिव चीनी मिल को इनकम टैक्स के अंदर रियायतें दी और 3 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाई हैं। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन में जोड़ेगी, दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाले किसान को अपने खेत में मार्केट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनाएगी, और तीसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के निर्यात के लिए भी काम करेगी। ढेर सारे चीजें हमने इसके साथ जोड़ी है, इसमें भी विपुल संभावना है। आने वाले 2 महीने के अंदर ही मेरा सिर्फ कोऑपरेटिव के एक्सटेंशन का देश भर का दौरा है, मैं उत्तर प्रदेश भी आऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे कम कोऑपरेटिव रखने वाला प्रदेश है और सबसे ज्यादा संभावना रखने वाला प्रदेश है, तो विपुल मात्रा में कोऑपरेटिव की संभावना यहाँ पड़ी है। मित्रों, यहाँ पर जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और मैं मानता हूं कि राज्य में इतने सारे एक्सप्रेसवे किसी भी राज्य में नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बलिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगामी गंगा एक्सप्रेसवे, ढेर सारे एक्सप्रेसवे बनाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को, इतने बड़े राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आज कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था भी हुई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद सबसे ज्यादा आवाजाही की कैपेसिटी एयरपोर्ट की इसी एक राज्य की होगी, तो वो भी उत्तर प्रदेश की। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है। बुंदेलखंड के अंदर पानी की किल्लत थी, केन बेतवा आगे बढ़ गई, बुंदेलखंड में भी अब कभी अकाल सहन न करना पड़े, इस प्रकार की हमने नीति करी है। और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जलमार्ग से लेकर सारे प्रकार की गति को कोऑर्डिनेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहला जलमार्ग उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है और यहां से वाराणसी और इलाहाबाद से लेकर हावड़ा तक पूरा जलमार्ग बनने से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 1/3 से भी कम आने वाली है। बहुत बड़ा पोटेंशियल खड़ा करता है उद्योगों में। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का संकट था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के आने के लिए, पहले मैंने कहा पांचों संकटों को योगी जी की सरकार ने समाप्त कर दिया है और एक जमाना था जब इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली जाकर करनी पड़ती थी, आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट और दुनिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट लखनऊ आए हैं, बहुत अच्छा है। वातावरण जो सुधार हुआ, इस वातावरण से उत्तर प्रदेश को तो निश्चित रूप से फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विपुल मात्रा में रोजगारी की संभावनाएं बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के युवा उद्योजकों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, वैश्विक प्लेटफॉर्म बनेगा, इसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश के विकास के माध्यम से भारत के विकास को भी गति मिलेगी और मोदी जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्वप्न है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। मैं आज यहाँ इस मंच से योगी जी को और उनकी पूरी टीम को, सारे मंत्रिमंडल को और उत्तर प्रदेश की